नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और आज मुलाकात के सिलसिले में हम एक ऐसी हस्ती के साथ हैं जिनके बारे में यही कहूंगा कि उन्होंने खुद को रीइन्वेंट करते करते हमेशा हमको हैरान किया, हमेशा हमको नए नए सरप्राइजेस दिए। और कहते हैं ना कि वो हर दिल अजीज जो शब्द होता है, ये शायद अगर किसी एक एक्टर के लिए मुफीद बैठता है तो वो जिमी शेरगिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, आपको यहाँ पाकर और आपसे बातचीत। ढेर सारे सवाल हैं और बहुत सारी बातें हैं। हम चूना पे आएंगे, और वाकई सबसे ज़्यादा इस समय इसके बारे में चर्चा हो रही है। वो एक जो कहते हैं कि जिमी शेरगिल का जो अंदाज़ है, जो रुआब है, वो चूना में नज़र आ रहा है। ऑन एन एवरेज लगभग 30 साल अगर आप केवल आपके करियर को देखें, और जैसा मैंने शब्द यूज़ किया, री इन्वेंट करते रहना, हिंदी सिनेमा हो, पंजाबी सिनेमा हो, और OTT स्पेस, अब दुनिया OTT की दुनिया, क्या क्या वो चीज़ है जो आपको इतना ड्राइव किए हुए है हर वक्त अपने आप को, इस तरह से आप ऊर्जावान बनाए रहते हैं? कुछ नहीं, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहना। जैसे आप बात कर रहे थे कि अपने आप को अलग अलग रोल से रीइन्वेंट करना, वो यही होता है कि एक तलाश रहती है आपको कि कुछ नया जो आपने ना किया हो वो हो। जब भी वो मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अदरवाइज़ टाइप कास्ट होना तो एक नॉर्मल सी बात है, और कुछ हद तक तो आप इंजॉय भी करते हो टाइप कास्ट होना। कई बार आपको ऐसा लगता है कि बार बार पावरफुल यूपी के ही रोल आना, या पावरफुल कुछ पंजाबी टाइप का रोल या उस टाइप का। वो जैसी जैसी आपकी इमेज बनी होती है फिर उस हिसाब से आपको रोल्स आते हैं। फिर अचानक से कोई एक नया आता है जो फिर उसको तोड़ता है उस इमेज को, और फिर कुछ नया होता है। सो आई थिंक ये जिंदगी है, चलती रहती है इसी तरीके से। बिल्कुल, चलिए चूना की बात करते हैं। किस भरोसे के साथ चूना में आप आ रहे हैं, क्या है ये दुनिया? हालांकि बहुत कुछ ट्रेलर के जरिए दर्शक अंदाजा लगा रहे हैं, फिर भी वो सीक्रेसी बनी हुई है। नहीं, चूना देखिए एक ऐसा शो है, जब मुझे इसकी स्क्रिप्ट आई थी मैं पढ़ के बहुत खुश हुआ था। मैंने कहा था कोई तो है जो आज की डेट में ऐसा कुछ बना रहा है जो कहीं ना कहीं बाहर भी इंटरनेशनली कोई बंदा बैठा हुआ देखेगा तो बोलेगा यार इस लेवल का कुछ बनाते हैं ये लोग। क्योंकि एक फ्यूजन, एक मिक्सचर बहुत ज़रूरी है, कि एक रॉ कहानी लेकिन उसमें एक बढ़िया ह्यूमर जो आपको उससे जोड़ के रखे, मज़ा भी आए, और एट द सेम टाइम शूटिंग स्टाइल मतलब इंटरनेशनली आप उसको बढ़िया तरीके से, कहानी रूटेड है, ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें, एक कैमरामैन जो हमारे हैं वो बाहर से हैं, सो कुछ एक अलग कुछ करने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें OTT पे होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक जब जब नई चीज़ आई है लोगों ने इन्जॉय किया है। इस शो के अपने किरदार के बारे में बताइए, क्या है ये, इस किरदार का अंदाज क्या है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, क्या चीज़ें हैं? शुक्ला जी जो है वो एक पावरफुल इंसान है। वो बिलीव करता है कि वो सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है, उसकी पावर बहुत है। एक ऐसा इंसान है जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता है, और उसने बहुत सारे अपने ग्रहों को अपने वश में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया है, इतनी उसकी मास्टरी है। और ऐसा किरदार जो जब आप इतनी पावरफुल पोजीशन पे होते हो और थोड़े से ख़तरनाक होते हो, थोड़े ग्रे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी के साथ कुछ गलत तो किया होता है। आप सोचो कि आपने कितने लोगों के साथ गलत किया होगा, उसमें से वो 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कहते हैं यार हमारे साथ इसने बुरा किया है और हमको इसकी इसको चूना लगाना है। अब वो लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, इसकी कितनी पावर है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके ऊपर ये सीरीज है। आपने चूना शब्द का जिक्र किया, और चूना लगाना जो बड़ा आम जुमला है, मुझे याद आता है कि एक बार राज कपूर के जो रसोइये थे, तो उन्होंने राज कपूर को उनके अंतिम दिनों में ये कहा कि
साहब आपको लोगों ने बड़ा चूना लगाया, आप बड़ा दिल के बड़े साफ थे। फिल्म इंडस्ट्री में भी ये रीत है, कोई ऐसा लगा कि यहाँ कदम कदम पे सतर्क रहना चाहिए? नहीं भाभी, आप फिल्म इंडस्ट्री पे ही क्यों आ जाते हैं हर चीज़ को लेके? आई थिंक पूरी दुनिया में हर इंसान जब सुबह से उठता है तो शाम तक वो किसी न किसी को या तो चूना लगा रहा होता है या किसी न किसी को चूना लगने जा रहा होता है। तो आप किसी भी आदमी को लाइफ में उसको फॉलो कर लीजिए, सुबह से जब वो उठता है या वो किसी को चूना लगाने जा रहा है या आज उसको चूना लगने वाला है, ठीक है। और चूना की यही खासियत है, लग भी जाता है और पता भी नहीं चलता है। और एक और बड़ी खासियत चूना की ये है कि जिसको लगता है वो भी नहीं किसी को बता पाता है, और जो लगाता है वो किसी को वैसे ही नहीं बताता है। आपकी जो फिटनेस है, आपका जो ये ऑरा है, आप जब चलते हैं या आप कहीं एक प्रेजेंस देते हैं, अपने आप की बात शुरू हो जाती है कि जिमी शेरगिल को देखिए, क्या क्या खुद को आपने मेंटेन किया हुआ है, और एक तरह का ईज है आपके अंदाज में, आपके जीवन जीने के तरीके में। तो ये आया कहाँ से? ये प्रैक्टिस है या ये कह सकते हैं कि परिवार में ही आपने किसी को देखा? नहीं, आई थिंक ज़िंदगी कराई देती है। जब आप 52-53 साल के हो जाते हो तो अपने आप ज़िंदगी जो है वो सिखा देती है क्या करना है क्या नहीं करना है। और शरीर की एक आध हड्डियाँ हिली हों तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में रहना और वर्कआउट करना और इन सब चीज़ों का अपने आप जो है वो हो जाता है शुरू मामला। माचिस का जिक्र किए बगैर हम रह नहीं सकते। एक पहला प्रेजेंस, और आज जब हम रिविजिट करते हैं, मुझे तो सिंगल स्क्रीन याद आता है अपने शहर का, जब मैंने पहली दफ़ा वो फिल्म देखी थी, और एक फील था जब वो गाना आता था, छोड़ आए हम वो गलियां, तो एक अलग सी, आज भी जब हम, मतलब मैं उसको शायद शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी तो बहुत यादें होंगी, गुलजार साहब जैसे डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे थे। जी हाँ, मेरी पहली फिल्म थी, मेरी तो यादें इतनी कमाल की हैं कि मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कल हुआ था। एक एक दिन की शूटिंग, एक एक इंसिडेंट, एक एक सीन, सब कुछ ऐसे याद है जैसे कल हुआ हो। बट हाँ, वो एक ऐसी फिल्म थी जिसने जब स्टार्टिंग में हमेशा उस टाइम पे लोग यही कहा करते थे, ऐसी फिल्में ऑफ बीट होती हैं, आर्टी होती है। उस फिल्म ने ना ही सिर्फ यहाँ नॉर्थ में, पंजाब में, यूपी में, इधर उधर रिकॉर्ड तोड़े, उसने साउथ में जाके भी रिकॉर्ड हाँ, तोड़े। और वो टाइम पे फिल्में डब अब नहीं होती थी, नहीं, आप समझ रहे हो? तो कमाल, मतलब गजब का क्या था, एक्सेप्ट। मैंने वो एक्सेप्टेंस देखा है कि हफ्तों फिल्म लगी हुई यार थी। मुझे आज तक याद है, ट्रकों में, हाँ, ट्रैक्टरों में चढ़ चढ़ के लोग पूरा गांव के गांव आ रहे थे वो फिल्म देखने के लिए। सिर्फ पंजाब में नहीं, यूपी में भी, सब जगह पे ऐसा क्रेज था उसका। चलिए, ये आपके बारे में कहा जाता है कि आप डायरेक्टर्स के एक्टर हैं, मतलब वो डायरेक्टर ने आप जो आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, चाहे वो गुलजार साहब हों, चाहे आनंद एल राय हों, चाहे तिग्मांशु धूलिया हों, फिर हासिल की बात आती है, इरफान की बात आती है, टिशु के साथ एसोसिएशन याद आता है। ये दुनिया बनती चली गई, कैसे हुआ और किस तरह से दुनिया आप बनती चली गई, फिर आप लोगों ने इतना बोल दिया डायरेक्टर का एक्टर के, डायरेक्टरों ने लेना ही बंद कर ऐसा दिया उन नहीं डायरेक्टरों ने। उन्होंने कहा कि यार सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही आ जाएगा अगर कुछ गलत हो गया तो। बट नहीं, आई थिंक क्या खुशी होती है, सब दोस्त हैं आज अपने, और इनकी पहली फिल्में हमारे साथ थी, यही बात सोच के खुशी होती है कि आज ये इंडिया के टॉप के डायरेक्टर्स में से एक है। सब के सब, चाहे तिग्मांशु हों, आनंद राय हों, नीरज पांडे हों, राहुल ढोलकिया हों, कितने ही, और सुजीत सरकार हों, सारे के सारे, राजू हिरानी हों, कितने सबके वो हैं। और जब जब इनके साथ मौका मिलेगा काम करने का मज़ा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, आप जब हम नेटफ्लिक्स की बात करें, चूना की बात करें, आजकल तो लोग ढेर सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप समय निकाल पाते हैं? मतलब आप, चूंकि आप पंजाब में भी आपका दखल है, हिंदी सिनेमा में भी दखल है, नहीं, तो जब टाइम मिलता है डेफिनेटली कैचअप करते हैं चीज़ों के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों में इतना बिजी होते हैं, तो मैं थोड़ा सा मल्टीटास्किंग वाला आदमी हूँ नहीं मैं, मतलब कि हाँ, ये भी कर लिया, थोड़ा 15 मिनट ये भी देख लिया, और फिर उसके बाद ये थोड़ा 15 मिनट पढ़ भी लिया, वो वाला नहीं है मेरा चक्कर। मैं जो, अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग सारा शूटिंग के ऊपर ही है। सिर्फ सोने से पहले मुझे कुछ पन्ने जो हैं वो पढ़ने पसंद अरे हैं, वाह, तो वह चाहे वो कोई बुक हो, चाहे स्क्रिप्ट हो, चाहे कुछ भी हो, और वो 10-15
पन्ने जब मैं पढ़ लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो नींद आ जाती है। तो कितना भी हेक्टिक स्केड्यूल हो वो कोशिश करता हूँ, बिकॉज दैट हेल्प्स मी स्लीप बेटर। जितनी बोरिंग किताब हो उतना बेटर है। तो रात के सोने के टाइम के लिए मैं किताब थोड़ी बोरिंग रखता हूँ। कोविड के दौर में भी बहुत लोग कंज्यूम कर रहे थे बहुत सारा कंटेंट, कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा एक्टर जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? जैसा मैं कह रहा था, पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, तो बहुत सारी, मैंने तो अपना लॉकडाउन में बहुत सारी किताबें जो हैं वो पढ़ीं और इन्जॉय किया। और कई चीज़ें तो पहले आप पढ़ चुके थे, फिर वापस से आपको मौका मिला तो आपने पढ़ी। और अगर मुझसे उस हिसाब से आप पूछेंगे तो आई डोंट नो, ये कोई इसको रिलीजियस तरीके से ना लीजिएगा, बट हरिवंश पुराण जो है अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत चीज़ें दुनिया की समझ में आ जाएंगी। बहुत कमाल, बहुत कमाल। तो वो मेरी लाइफ का एक बड़ा ही गेम चेंजिंग था। हालांकि मैंने उससे पहले ग्रंथ साहिब हो चाहे कुरान हो, इन सब चीज़ों को भी अलग अलग लैंग्वेजेस में उस तरीके से पढ़ा हुआ है, पढ़ने की कोशिश की हुई है, बट हरिवंश पुराण जो है वो मैंने रिसेंटली 2 साल पहले पढ़ी थी और बहुत आई ओपनर है वो, बहुत आई ओपनर है। मुझे लग रहा है कि हर इंसान को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, तो ये रिकमेंडेशन बहुत काम आएगी। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि नई कहानियाँ, नए एक्टर्स, तमाम चीज़ें हो रही हैं, चूना को लेके एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब रह गई या आपको लगता है कि एक एक बड़ा प्रॉमिस ये शो लेके जा रहा है? नहीं, अब बोलने का क्या है, शो रिलीज़ हो रहा है, ट्रेलर लोगों ने देखा है, ट्रेलर कितना लोगों को कन्विंस करता है उसमें हमारे बोलने से कोई आगे थोड़ा ना देखने वाला है कि शो है, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि लोग अपनी चीज़ को तो बेस्ट ही बोलेंगे, तो लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये तो यार हर पिक्चर को बेस्ट बोलता है, तो ऐसे नहीं होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से शो में दम है, एक नयापन है, एक फ्यूजन बहुत अच्छा है, एक इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ शूटिंग फिल्मिंग द सीन्स, बट कीपिंग अ रॉ स्टोरी, बड़ी ही रॉ मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी, और एक रॉबरी या हाईस्ट बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, चूना लगाने वाले हैं ये लोग। क्या कामयाब होंगे, नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, अगर नहीं होंगे तो कैसे होंगे, और उस चीज़ का मज़ा लीजिए। और मज़ा उसके ह्यूमर में भी बहुत ज़्यादा है, उसके ह्यूमर में बड़ा ज़रूरी है ह्यूमर। वो बात आदमी सीरियसली कर रहा है लेकिन आप हंस रहे हैं उसके ऊपर, वहाँ से आप किरदारों से जुड़ने लग जाते हैं। तो हालांकि शुक्ला एक बहुत अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग शुक्ला से भी जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग किरदारों से जुड़ेंगे। आने वाले वक्त में हम क्या कुछ आपके हक से देखने वाले हैं? आने वाले वक्त में अभी फ़िलहाल तो यही है, अपना चूना आ रहा है, नीरज पांडे की फिल्म है अजय देवगन और तब्बू जी के साथ, औरों में कहाँ दम था, और एक फिल्म आनंद राय के साथ है फिर आई हसीन दिलरुबा, उसमें हमारे किरदार की एंट्री है उस फिल्म के अंदर, वो भी एक्साइटिंग है मामला। और एक शो और है मेरा जो इसके बाद रिलीज़ होगा, रणनीति, जिसका एक छोटा सा टीज़र आ भी चुका है, वो भी बहुत मज़ेदार है। तो दिस इज़ एज ऑफ नाउ द लाइनअप। चलिए, बहुत अच्छा लगा जिमी बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा बातचीत करके। चूना के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, आपकी पूरी टीम को, इस फिल्म से जुड़े, इस शो से जुड़े हर एक शख्स को, और उम्मीद करते हैं कि शो बेहतर और बेहतरीन रहे। थैंक यू सो मच, प्लेजर ऑलवेज। थैंक यू।